हेलो फ्रेंड्स, मेरा फिर से स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों स्मॉल क्रेडिट लोन ऐप के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मुझे और व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज कर रहे थे कि स्मॉल क्रेडिट नाम की लोन एप्लीकेशन अभी तक बंद नहीं हुई है, और साथ ही में ये एप्लीकेशन वाले लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग के लगभग 4,500 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है और ये एप्लीकेशन अगर आपको किसी भी तरह से तंग कर रही है तो इससे आपको 110% छुटकारा मिल जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बात करते हैं स्मॉल क्रेडिट के बारे में। तो स्मॉल क्रेडिट के भी प्ले स्टोर पर मैंने चेक किए हैं रिसेंटली 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और लगभग 4,500 के आसपास लोगों ने बताया है कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग अभी की जा रही है फिलहाल में, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, लगभग 2,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार पेमेंट कर दिया है, 2 से ज़्यादा बार दोस्तों पेमेंट कर दिया है। इसके बाद भी ये एप्लीकेशन वाले लगातार पेमेंट का डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया प्ले स्टोर के, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और कब तक ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और इस एप्लीकेशन का आपको छुटकारा कैसे पाना है, सारी डिटेल्स 1 by 1 स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को दी जाने वाली है। तो बात करते हैं स्मॉल क्रेडिट के बारे में। तो स्मॉल क्रेडिट एक लोन देने वाली एप्लीकेशन है जो कि इंस्टेंट लोन के नाम पे आपको 2,000 से 5,000 तक का लोन प्रोवाइड करती थी, और अब इसने वो लोन देना भी बंद कर दिया है। ये एप्लीकेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रचार आपको देखने के लिए मिला होगा, स्मॉल क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऐप, 20,000 का लोन मिनटों में, 10,000 का लोन मिनटों में, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 2,000 से 5,000 का लोन दिया जाता है, बाकी आपको रिपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों 10,000 से 20,000 तक, 10,000 से 20,000 तक आपको रिपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, लगभग 2x अमाउंट कहा जाता है रिपेमेंट करने के लिए। तो इस बात का आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो गलती से भी अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, और मैं अब आपको बताऊंगा कि इससे छुटकारा आप लोग सिंपल 2 स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले ये आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे दोस्तों बहुत ज़्यादा धमकाती है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को तंग करने की कोशिश करती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इसके बाद आपकी फ़ोटोज़ को एडिट कर देना, फ़ोटोज़ को एडिट करके सबसे पहले आपको सेंड करेगी, उसके बाद धमकी देगी कि मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सेंड कर दूंगा ये फ़ोटोज़ जो एडिट किया हुआ फ़ोटो है। तो दोस्तों ये जो फ़ोटोज़ होता है ये एडिटेड फ़ोटो होता है, तो कोई भी देख के आसानी से पहचान जाता है कि ये फ़ोटो एडिट किया हुआ है, और अगर ये आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सेंड करने की धमकी देती है तो आप लोग से मेरी अपील है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को पहले से ही आप लोग मैसेज कर दे कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, एक स्कैम हो चुका है, जिससे कि कोई आदमी मुझे अनजान आदमी तंग कर रहा है और मेरी एडिट करके फ़ोटोज़ आप लोगों को हो सकता है कि सेंड करे। तो ऐसा मैसेज अगर आप अपने कॉन्टैक्ट वालों के लिए छोड़ देंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, और साथ ही में ये लोग अगर आपको फिर धमकी देते हैं या गाली देते हैं तो उसके बदले में आप लोग इसको 10 गाली और बढ़ा के दीजिए। ऐसी फ़ोटोज़ ये लोग एडिट करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, चैनल पे दिखाने लायक नहीं है, नहीं तो मुझे स्ट्राइक लग जाएगा, मेरा चैनल ही बंद हो सकता है, इतनी गंदी तरीके से फ़ोटोज़ एडिट होते हैं। और अब्यूजिव वर्ड भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आपको टाइम पे टाइम दिया जाएगा कि 10 बजे तक पेमेंट कर दो नहीं तो लोन के अमाउंट दोगुना कर देंगे, 11 बजे कर दो नहीं तो 3 गुना कर देंगे, आपको 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 रुपया भी कोई आदमी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देना, लोग पेमेंट कर रहे हैं इसलिए ये एप्लीकेशन अब तक जिंदा है, नहीं तो कब की मर गई होती, नहीं देना है 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर ये एप्लीकेशन का आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन कब की मर चुकी होती, अभी तक प्ले स्टोर पे नहीं होती, लेकिन लोग इसका पेमेंट कर रहे हैं इसी वजह से ये एप्लीकेशन अभी तक प्ले स्टोर पे टिकी हुई है। बात करते हैं सिविल के बारे में। तो सिविल पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका सिविल जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन है, चाइनीज एप्लीकेशन है, जो बोलिए इसके लिए कम होगा, ये बहुत बड़ा स्कैम कर रही है एप्लीकेशन जो कि 110% इलीगल है। आप चाहें तो साइबर क्राइम में भी इसके खिलाफ रिपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग चाहें तो साइबर क्राइम में भी इस एप्लीकेशन के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी, 15 से 20 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। जैसा कि मेरा अभी अनुमान है उसके हिसाब से 10 जनवरी से पहले पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हट जाना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो 10 जनवरी तक वेट कर लीजिए, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो दोस्तों ये था कि आपकी जो फोटोज़ को धमकी दी जाती थी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर सेंड करने का, उसका सॉल्यूशन मिल गया। और दूसरा यहाँ पे आपको जो बार बार व्हाट्सएप पे कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है, और साथ में आपको कॉल किया जाता है, तो कॉल प्लस व्हाट्सएप
इससे बचने का दोस्तों क्या उपाय होगा, तो इसके लिए आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 10 डेज के लिए, यहाँ पे आपको 10 डेज के लिए अपना जो नंबर है वो दोस्तों ऑफ कर लेना होगा। ये अगर स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं तो 110% इस एप्लीकेशन से आपको छुटकारा मिल जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।